57% हो गया, तुरंत ही 1% बढ़ गया भाई। तो आप समझ सकते हैं कि अभी चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। और ये शैडो में है, आप देख सकते हैं ये शैडो में, ये कोई धूप में नहीं है, फिर भी ये चार्ज कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मेरे पास देखिए, इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था, एक फोल्डेबल सोलर पैनल है, साथ में मोबाइल है और इसकी चार्जिंग केबल है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये किस तरह से आपके काम आ सकता है। आज हम लाइव डेमो देंगे आपको, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइव डेमो में आपको पता चलेगा इस सोलर पैनल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आपके मोबाइल को चार्ज करती है। तो पूरे वीडियो में बने रहें, और इसको हम धूप में भी करेंगे टेस्ट और धूप छांव में भी करेंगे टेस्ट। तो देखेंगे छांव में ये चार्ज कर पाता है या नहीं कर पाता है, और धूप में तो करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो पैनल है ये मोनो क्रिस्टलाइन पैनल है। तो अभी जो चल रहा है मार्केट में हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल, वो पैनल है हमारे पास। और ये पैनल किस तरह से इफ़ेक्टिवली चार्ज कर पाती है, तो ये हम पूरा वीडियो में देखेंगे और वीडियो में आपको पूरी डिटेल पता चल जानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और तो आपको बताते हैं। तो अभी हम जहाँ तक समय की बात करें तो 12:24 हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए। नहीं कोई नहीं, कैमरा में आ गया होगा। ये 12:24 हुआ है, सूर्य हमारे सर के ऊपर है और अभी के समय में सबसे ज़्यादा धूप बनता है। वैसे ये नवंबर का महीना है, ठंड का महीना है, धूप रिस्पेक्टिवली गर्मी के मुकाबले कम ही रहेगी, लेकिन अभी जो समय है उसमें सबसे पीक आर में धूप अभी के समय ही रहेगा। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, ये मोबाइल में हम चार्ज करेंगे, ये इसका चार्जिंग केबल है और इसमें लगाते हैं। तो चलिए, ये हमारा धूप में सोलर पैनल लगा रखा हुआ है, इसको कैसे भी रख सकते हैं। अभी हमने ऐसे रेलिंग पे रख दिया है, अब इसके पोर्ट में हम लगाते हैं और यहाँ पे दिखाएंगे। इधर थोड़ा सा जूम कीजिएगा तो यहाँ पे जो सोलर पैनल जैसे ही रखा है तो यहाँ इसकी रेड लाइट ऑन हो गई है, दिख रहा है रेड लाइट। तो ये रेड लाइट से पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी भरपूर मात्रा में बन रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें यूएसबी पोर्ट है, देखिए ये यूएसबी पोर्ट है। अब इस यूएसबी पोर्ट में इसका चार्जिंग, यूएसबी पोर्ट में हम कनेक्ट करते हैं इसके चार्जिंग केबल को, यहाँ कर दिया है कनेक्ट। और ये हमने अब देखिए मोबाइल में लगा दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, अभी देखिए, अभी आपको पता चलेगा पूरी ये चार्जिंग का, देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया है, 56% है और अभी चार्जिंग शो कर रहा है। ऐसे मैं आपको अभी मैं पावर ऑफ करके दिखाऊंगा तो इसमें चार्जिंग शो भी करेगा। पावर ऑफ कर देते हैं और देखते हैं कि चार्जिंग शो करता है या नहीं करता है, अभी पता चल जाएगा। एक मिनट, मैंने पावर ऑफ कर दिया, यहाँ देखिए चार्जिंग दिखा रहा है, ये देखो चार्जिंग शो कर रहा है यहाँ पे। इसको हटाने पे ये चार्जिंग नहीं शो करेगा, जैसे ही लगाते हैं तो चार्ज हो रहा है। ये देखिए चार्ज हो रहा है ना, 57% हो गया, तुरंत ही 1% बढ़ गया भाई। तो आप समझ सकते हैं कि अभी चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है और ये इसी तरीके से काम करेगा। इसको कहीं पे भी रखें, यहाँ पे मैंने धूप में रखा तो अभी चार्ज कर रहा है। अब हम इसको जैसे वहाँ दिखाइए, जैसे छत के साइड में, छत वाला वो है शैडो एरिया है, और वहाँ पे भी हम जाके चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे धूप में आपने देख लिया, अब शैडो में चेक करेंगे शैडो में ये चार्ज कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो चलिए शैडो में चलते हैं, अभी मैंने इसको खोल लिया, अब हम चलेंगे शैडो में। तो यहाँ पे धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, फिर भी हम चेक करते हैं कि इसकी रेड लाइट ऑन हुई है या नहीं हुई है। देखिए इसकी रेड लाइट ऑन नहीं हुई है, ठीक है ना। और जैसे ही हम ऐसे घुमाते हैं शैडो में भी इधर के तरफ, यानी धूप के तरफ हल्का करते हैं
तो इसकी रेड लाइट ऑन हो जाती है, ये देखिए ऑन हो गई है ना। तो अब हम इसको, एक तो ये प्रोसेस है कि समझ गए होगे कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें अब बन रही है। सेकंड, हम इसको चार्ज करके भी देखते हैं, क्योंकि अपन को तो चार्ज करना है, अपने को क्या करना है, मोबाइल चार्ज करना है। ऐसे भी नहीं, यहीं पे ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लगा के रखा है। अब हम अपने फ़ोन को लगा देते हैं इसमें, तो कैमरामैन से मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा दिखाए भैया, दिख रहा है, यहाँ पे रखा है और इसको कनेक्ट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया है और ये शैडो में है, आप देख सकते हैं ये शैडो में, ये कोई धूप में नहीं है, फिर भी ये चार्ज कर रहा है, फिर भी ये चार्ज कर रहा है। तो ये आपने देखा कि ये धूप में भी चार्ज कर रहा है और छांव में भी चार्ज कर रहा है। मोनो क्रिस्टलाइन पैनल है, इस वजह से ये बड़े इफेक्टिव वे में, धूप में तो चार्ज करेगा ही करेगा, धूप में क्या है पॉलीक्रिस्टलाइन के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छे तरीके से चार्ज करेगा। इसकी जो करंट की एबिलिटी है, एम्पियर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपको। और साथ ही यदि थोड़ा सा धूप बारिश या छांव वाला एरिया है तो वहाँ पे ये भी चार्ज करेगा। तो अब आप देख सकते हैं ये जो फोल्डेबल पैनल है ये USB पोर्ट के साथ आता है, तो USB से आप बहुत सारी चीज़ों को चार्ज करते हैं, तो आप इसके उपयोगिता को समझ सकते हैं और आपके किस काम में आने वाला है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के सोलर फोल्डेबल पैनल आप यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, यदि कोई ट्रैकिंग करता है या कोई ट्रैवलर है तो उसके भी बड़े काम का चीज़ है, क्योंकि चार्जिंग करना पड़ता है और कई जगहों पे चार्जिंग का सॉकेट नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे जगहों पे नहीं मिलता है, तो वहाँ पे ये सोलर पैनल यदि आप लेके जाते हैं तो आपको चार्जिंग का टेंशन लेना ही नहीं है। तो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप किस तरह से इस पैनल को यूज कर सकते हैं उसका भी आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें आपको पूरी डिटेल में पता चली है सोलर पैनल के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद।